लेकिन जानकारी इस वक्त है सरमौरे को विधानसभा भेजने की तैयारी इस वक्त चल रही है। आपको जानकारी दे दें कि करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इस वक्त की ताजा जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव के करहल सीट छोड़ने के बाद चुनाव लड़ा जाएगा और मौर्य समाज को सम्मान देने के लिए फैसला लिया गया है। सीधे तौर पर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने की तैयारी है। करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो भाजपा छोड़कर आए थे और ये तोहफा दिया जा रहा अखिलेश यादव के करहल सीट छोड़ने को लेकर। ये फैसला मौर्य समाज को सम्मान देने के लिए ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हार चुके हैं, लेकिन करहल सीट पर जब अखिलेश यादव की जीत हो गई है तो अपनी सीट को छोड़ने का चुनाव दरअसल अखिलेश यादव की तरफ से लिया गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य को लड़ाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मौर्य समाज को सम्मान देने की बात कही जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें तो क्या वाकई ये तस्वीर देखने को मिलेगी, ये तो कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की हार के बाद ये फैसला लिया गया कि करहल सीट जो अखिलेश यादव जहां से लड़े और उसके बाद जीते और अब यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ सकते हैं। फिलहाल अटकलें लगाई जा रही हैं, खबर है, इसलिए हम आपको गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में सुबह सवेरे जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से लड़ा जा सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। लेकिन ये कुछ देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव करहल सीट से छोड़ने के बाद ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव की बंपर जीत करहल सीट से हुई है, अपना गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, और करहल सीट पर जब जीत दर्ज कर ली गई है तो अपनी सीट तक को छोड़ने को तैयार है सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी में जब स्वामी प्रसाद मौर्य का शामिल होना हुआ तो एक अलग तस्वीर देखने को मिली। लेकिन अब सम्मान देने की बात मौर्य समाज को कही जा रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो चुनावों में हार के बाद ये तोहफा दिया जा रहा अखिलेश यादव के करहल सीट छोड़ने को लेकर के बाद ये फैसला मौर्य समाज को सम्मान देने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो बड़ा चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी में भी उनका जो कद है उसको बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये अटकलें हैं और जानकारी आपको दे दें कि अब ये फैसला लिया गया है पार्टी की ओर से मौर्य समाज को सम्मान देने के लिए ये फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लिया गया है।